जय बाबा अमरनाथ भुफानी, भूखे को अन्न प्यासे को पानी, हर हर महादेव। दोस्तों वेलकम, मैं तुहाडा अपना सुमित। असी अज चले हैं अमरनाथ यात्रा से पंचकूला सूचना केंद्र। दोस्तों ये साडा उत्थे सूचना केंद्र है, जिन्ना भी उत्थे मंत्र जिन्ना भी उत्थे सूचना उच्चारण की जाती है वो साडे शिवर तो की जाती। अज असी अमरनाथ यात्रा से जा रहे हैं और भोले बाबा की एड्डी कृपा है, असी अपना पूरा समगरी वगैरह जिन्ना भी है समान अभी सारा टैली कर दिता है। उस तो पहले असी तुहानू ब्रेकफास्ट करावांगे, जिन्ने साडे भगत आ उत्थे जिन्ने साडे दोस्त ने आए ने है ना, ब्रेकफास्ट करके आ जाणगे इत्थों दी। ते दोस्तों तुसीं साडा ये देखो शिवर दे विच जिहड़ा स्टार्टिंग दे विच सानू भोजन मिलता है, भोले बाबा का किन्ना प्यारा भोजन है। देखो एक सब्जी रायता, दो सब्जियां, छोले ये वो वगैरह जो भी है ना, ते आ देखो सैलड नाल है सारा ऐन अच्छी तरह रज के। इतों सुबह के टाइम जाते हैं जिन्हें साडे भगत ने जिन्हें साडे शिवर के उत्ते है ना दान करने वाले ने सारे, असी एक बार मंडली बुलाई होंगी है और सारे एक बार असी भोजन कराना होंगे साढ़े, क्योंकि जेडे श्रेष्ठ ने जेडे जिदा कि हम तुम बॉबी भाजी हो गए, हर्ष भाजी हो गए, जेडे करता धरता ने विक्की भाजी हो गए है ना, इतने के करता धरता ने इन्होंने बिल्कुल ही देखो उद्घाटन करने अपने सारे घर जन बुलाना वा। आ मित्तल अंकल जी भी खड़े हुए हैं देखो पूजा कराने पंडित जी तो, कि असी इतों की रवाना हो चुकी राजी खुशी उत्थे जाके अपना असी शिविर लगा सकी। सब तो पहला असी पंडित जी पूजा कर रहे ने, मित्तल साहब खड़े हुए ने, बॉबी भाजी खड़े हुए ने, वो सारे ही अपने भोलेनाथ प्रभु दे एक बार ध्यान कर रहे ने, खान वाला खा रहा है और पूजा करने वाला देखो पूजा कर रहा है अपने हाथ दे विच है ना फुल वगैरह पकड़ के। देखो मैं तो ये कहना देखो धन जिगरा, देखो मेरे बाबा के दर्शन करन जा रहे ने सारे। देखो और जिनी समगरी दे देखो असी उहदा पूरा विधि पूर्वक असी पूरा उहदा जो भी है पंडित जी तो है ना पाठ पूजा करा के असी रवाना करन लगे हैं ट्रक समगरी का पंचकूला सूचना केंद्र। और मेरे बोवी भाजी, काला भाजी और जिन्हें भी मेरे वीर बड़े मेरे वीर खड़े ने जिन्हों का मैनू नाम तक नहीं पता, मैं क्षमा करो पर मेरे वीर जिन्हें भी इतने सेवादार ने सारे नमन है, सारे प्रणाम है। और हाँ मैं तो ये कहूँगा देखो धन जिगरा जिन्हों का जोड़े एडा एडा शिविर लगाते हैं एड्डी एड्डी उहदे ते जाके पहाड़ों पर जाके सेवा करते हैं। काले भाजी साढ़े बम बम बोले बोलते हैं और मैं चाहना वा तुसी भी हर हर महादेव जरूर बोलो क्योंकि देखो इन्हों की सेवा तो बगैर कुछ नहीं हो सकता। धन जिगरा जिहड़े साल दे विच एड्डी यात्रा एड्डी पहाड़ दे उत्ते समान एड्डा समगरी पहुँचानी है। दोस्तों मैं तो तुहानूं कहूँगा देखो तुसी मेरा ट्रक जरूर देख रहे हो पर ये भी देखो दोस्तों ये उत्ते पहाड़ों पर खच्चरां दे उत्ते सारा असी सारी अरेजमेंट करके जाना है और भोले बाबा की बहुत ज़्यादा कृपा है। देखो साढ़े ट्रक वगैरह सारे स्टार्ट ने भोले बाबा की नगरी च जाने और कृपा करे भोले बाबा भी है ना भी इन्हां ते कृपा रवे भी राजी खुशी सारे जान। साढ़े लखा जी हलवाई ने सारे टोटल मटीरियल असी करके इन्हों तोर रहे हैं। देखो दोस्तों रुक गया हूँ सानू भुख लग गई, सोचा इतने रोटी पानी तैयार करवा लीए सानू ना जम्मू दे प्लाजा के उत्ते जिते रोकया जाता है जिहड़ा हुंदा ना बॉर्डर वगैरह उत्थे रोकया जाता है, फिर पंचकूला सूचना केंद्र इत्थे भी रोकया गया ट्रक ता कि इन्होंने एक दिन का सानू स्टे किया। सानू कहिंदे अपनी रोटी पानी इत्थे भाई तैयार कर लो, असी फटाफट साढ़े हलवाई बहुत तेज ने इन्होंने देखो फटाफट इतने लंगर तैयार कराना शुरू करता अपने खाने वास्ते। हजे लंगर इतने हो नहीं है, हर कोई इतने जिन्ना भगत खड़ा हों जिन्हों ट्रकों रोकया जाता है आर्मी के नाल तोरना है ना वही ट्रक इतने रुकते हैं। देखो असी अपना भोजन शाम के 6 बज चुके हैं, असी अपना भोजन वगैरह जो भी असी अपना आप तैयार कर रहे हैं, हर कोई अपना तैयार कर रहा है। जे किसी भुख लगी है तो दूसरे शिविर से भी तुम रोटी खा सकते हो है ना। तो दूजी गल देखो हर कोई भगत अपना कोई चाह बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है, ये सिर्फ अपने वास्ते ना जिन्हें ट्रक वाले वीर ने या कोई अदर परसन है जो किसी भुख लगी है तो आके खा सकता है। क्योंकि एक दिन का तो देखो दोस्तों इतने स्टे लेंदे है ना, एक दिन का तो स्टे करनगे ही ठीक है ना। जिन्हें देखो साढ़े ट्रक लंगर वाले ने सारे वीरों को मेरा नमन है क्योंकि इन्नी दूर तो देखो सेवा करनी है भोले बाबा की, ये सौखी गल नहीं हैगी है ना। तो बाकी देखो साड़ी चपाती कितनी शानदार लै रही है, देखो पुठी सीधी करके ही तुहानू भी खवावांगे जे साडे तुसी शिविर ते आओगे अगले साल ठीक है ना। हुण तां असी जा रहे हां, हुण तां दी कमेंटमेंट करदे सी तुसी आओगे कि नहीं आओगे, पर साड़ी चपाती देखो बहुत शानदार उतारी जांदी जिद्दां साडे घरे रोटी बनती है उदा ही इतने शिविर से रोटी बनती है। ये साढ़े वास्ते भोजन देखो हलवाई उन्होंने फटाफट भट्ठी लगा के तैयार करना शुरू कर दिता है। पर मैं फिर भी इन्नी गल कहूँगा देखो भोले बाबा की बहुत कृपा इन्हां ते, देखो जंगल दे विच इन्होंने मंगल लगा दिता रोटी तो बिना कोई वांझा रवे भुख लगे या कोई चीज़ की भुख लगे तो बंदा खा सकता है। दोस्तों मैं तो तुहानू भी एक बार निमंत्रण फिर दोबारा करूँगा मेरे भोले बाबा के लंगर से, तुसी जरूर
जरूर मतलब कि है ना गावा मेरे वीर ने, देखो देखो सुरंग दे विच जा रहे हैं, अटरनल सुरंग आती है, ये 18 किलोमीटर की होंगी है। आप 18 किलोमीटर सुरंग देखो, भोले बाबा ने कैसी कृपा की है, सुरंग दे विचों सानू मतलब कि जाना पैंदा है। क्योंकि पहला होंदा सीगा, पहले जमाने च पता किन्ने पहाड़ घूमने पैने हैं, फिर जाके कि असी है ना यात्रा से पहुँचना। हूँ तो सरकारां दा असी बहुत धन्यवाद करते हैं, देखो साडे लिए अटरनल सुरंगा कढ़ दित्तियां ताकि असी आरामदायक साडा जिन्ना भी है सफ़र हो सके। दोस्तों ये 18 किलोमीटर सफ़र होंदा है, इहदा ਇਹਦਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਟੱਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੱਸਾ ਤੋਰਨਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਡੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਕ ਲਿੱਤੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਵਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਧੀ ਦਿਹਾੜੀ 12 ਘੰਟੇ ਸਮਥਿੰਗ ਇੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਦੋਸਤੋ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਬਹਿ ਕੇ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਦੇਖਣ ਹੈ ਨਾ ਭੋਲੇ ਬਾਬਾ ਦਾ। ਕਈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਹਾਏ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਜੂਗਾ। ਦੋਸਤੋ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨਾਈਸ ਪਰਸਨ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਝਣਾ ਇੱਦਾਂ ਔਖਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸਹੀ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸਹੀ ਨੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਨਿਮੰਤਰਣ ਹੈ ਭੋਲੇ ਬਾਬਾ ਦੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ। ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ ਕਿੰਨਾ ਅੱਛਾ ਵੈਦਰ ਹੈ, ਔਰ ਆਪਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਐਂਟਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਲ ਝੀਲ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕੰਟੈਂਟ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਭੋਲੇ ਬਾਬਾ ਦੇ ਦੋਸਤੋ ਕੁਝ ਖਾਸ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਅਗਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜੰਮੂ ਤੱਕ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਰਾਇਆ ਹੈਗਾ 115 ਰੁਪਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਬਾਲਟਾਲ ਵਾਸਤੇ ਬੱਸ ਪਕੜਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਪਹਿਲਗਾਮ ਵਾਸਤੇ ਬੱਸ ਪਕੜਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ, 600 ਰੁਪਏ ਖਰਚਾ ਹੈਗੇ ਨਾ। ਦੇਖੋ 715 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਭੋਲੇ ਬਾਬਾ ਦੇ ਦਰ ਤੱਕ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਗਏ ਹਾਂ, ਓਕੇ ਕਰਕੇ ਗਏ ਹਾਂ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਫਟਾਫਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਹ 4 ਹਲਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੱਕ ਪਰੌਂਠਾ ਲੱਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਟਾਫਟ ਆਪਣੇ ਆਲੂ ਵਾਲੇ ਪਰੌਂਠੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਏ। ਆਹ ਸਾਡਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ਨਰ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇਹਨੇ ਕੰਮ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨੇ ਠੀਕ ਆ, ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀਰ ਆ ਵਧੀਆ ਨੇ। ਪਰ ਆਹ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਹੈ ਨਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਐਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਦੋਸਤੋ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਆਪਾਂ 7ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਇੱਥੇ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਗਰਮੀ 'ਚ ਮਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਕੰਬਲ ਚੜ੍ਹਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਠੰਡ ਆ। ਪਰ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਂਟਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਆ ਵੈਦਰ ਆ, ਕਿਆ ਵਿਊ ਆ, ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਦੋਸਤੋ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਫਟਾਫਟ ਸਾਡੇ ਦਾਲ ਚਾਵਲ ਪਰੌਂਠੇ ਰੋਟੀਆਂ ਸਭ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਭੋਲੇ ਬਾਬਾ ਦਾ ਲੰਗਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਜਿਹੜੇ ਐਡਾ ਮਤਲਬ ਰਾਸ਼ਨ ਭੇਜਦੇ, ਐਡਾ ਹੈ ਨਾ ਭਗਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਮਾਨ ਸਾਡਾ ਪੰਚਕੂਲਾ ਸੂਚਨਾ ਕੇਂਦਰ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 26ਵਾਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੇਲਾ ਸੇਵਾ, 26 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਐਂਟਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਬਟ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਅੱਛਾ ਵੈਦਰ ਹੈ, ਬਾਰਿਸ਼ ਉਹਨੇ ਹਟੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੋਸਤੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਠੰਡਾ ਵਾ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਲਾਓਗੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਹੀ ਨੀਲਾ ਪੈ ਜੂਗਾ, ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਠੰਡਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਇੰਨੇ ਨਹਾਉਂਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਨਹਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਯਾਰ ਬਹੁਤ ਠੰਡਾ, ਕਿਹੜਾ ਨਹਾਵੇ ਯਾਰ, ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਨਹਾਉਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੱਕੜ ਗਿੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਦੋਸਤੋ, ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵੈਦਰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਟੂ ਮੱਚ ਵੈਦਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵੈਦਰ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਭਰਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤੀ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤੀ ਨੇ, ਮਿਹਨਤ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੋਸਤੋ ਆ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜੀ ਦੇਖੋ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾਈਸ ਪਰਸਨ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਕਦੇ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਚਾਹ ਬਣਾ ਲਓ, ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਦੱਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਚਾਹ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਆਪਾਂ ਆਹ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਉਹ ਬਣਾ ਲਈਏ। ਦੋਸਤੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਨਾ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਅੱਛਾ ਵੈਦਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਨਿਮੰਤਰਣ ਕਰੂੰਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਭੋਲੇ ਬਾਬਾ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਓ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਇੱਥੇ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਡਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲ ਜੂਗੀ, ਉੱਥੇ ਐਂ ਹੋ ਜੂਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਐਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਡਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਦੋਸਤੋ ਸਾਡੀ ਆਰਮੀ ਨੂੰ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਹੈ ਦਿਲੋਂ,
क्योंकि ये बहुत अच्छी अपनी ड्यूटी निभाते हैं। साडा बाल तक नहीं पाका हो सकता, हाँ बाकी कुछ बंदे गलत होंगे असं कह नहीं सकते, ठीक है ना, पर सारे कश्मीरी नहीं है, सारे कश्मीरी बहुत नाइस पर्सन ने, ठीक है ना जी। बाकी एक अद्धा देखो दोस्तों कितने ना कि साढ़े लुधियाने भी तो एक अद्धा बंदा खराब होता ही है ना, हूँ अभी यार सारे लुधियाने थोड़ी खराब कह देवे, ठीक है ना। इस करके कश्मीरियां असं गलत नहीं कह सकते, बहुत नाइस पर्सन ने, बहुत हैल्पफुल पर्सन ने, पर यह है दोस्तों भी हूँ एडे दे प्रोग्राम के एक अद्धा बंदा तो तुहानू भी पता खराब होता ही है। हूँ देखो असी बॉर्डर के उत्ते खड़े हुए हैं, ये हूँ सानू आर्मी के नाल जाना है दोस्तों, फिर असी इटरनल एक सुरंग होर पार करनी है, असी आर्मी के नाल जाना है, इदा नहीं असी जा सकते, इन्नी क स्ट्रिक है साडे इत्थे दी आर्मी, कल्ले पर्सन नू तां बिल्कुल भी नहीं जान देगी वीरो। जे तुसीं सोचो लास्ट पुल है जिहड़ा तुसीं एंटर करके अटरनल कहिंदे ने सुरंग नू, 18 किलोमीटर की एक सुरंग आएगी, एक 16 किलोमीटर की सुरंग आएगी। हुण दोस्तों देख लो किन्ने मेरे भोले बाबा के ट्रक लगे हुए ने, इन्हां सारिआं ने लंगर लगाना और मेरे भोले बाबा ने सारिआं दी इन्हां दी झोलियां भरनियां वा, झोलियां इस करके भरनियां क्योंकि यार इन्हां ने जंगल च मंगल करना वा, जंगल च मंगल भुखे का इन्होंने ढिड भरना, उत्थे रोटी खवानी है सारिया नू, एडा लंगर करना मेरे आर्मी वीरां नू। फिर एक बार सलाम है, देखो दोस्तों ये टर्नल है, ठीक है ना, ये 18 किलोमीटर की दोस्तों दो सुरंगा आंदियां ने, पहली जा चुकी है, दूजी फिर एक सुरंग आ गई है। आ फिर मेरा वीर सैनी है, ये भी हर हर महादेव का भगत है, ठीक है ना, अटरनल देखो सुरंग आ चुकी है दोस्तों। मैं तुहानू फिर एक बार निमंत्रण करदा, मेरे बाबा के दर्शन जरूर करो, क्योंकि दर्शन करोगे तुहाडे भाग सुधर सकते हैं, क्योंकि नहीं तो वीरे अपने तो भाग इदा दी है, है ना। भोले बाबा के तुम एक साल के जरूर एक बार दर्शन करो और देखो तो सही मेरे भोले बाबा किहड़े किहड़े स्थान पर जाके बैठे ने, है ना। आ जिन्ने ट्रक लगे है मैं ट्रकों वाल भी मारिया, जिन्ने लेबर वाले मैं इन्हों वाल भी कॉलिंग कर रहा वा, ता कि तुम इन्हों देख सको भी कि है ना ये बहते ने। हूँ दोस्तों दूजी अटरनल स्टार्ट हो चुकी है, हूँ असी कश्मीर के एंटर होवे, असी 18 किलोमीटर इन क्लीयर करके फिर असी कश्मीर के एंटर होवे। एंटर होंदे सारी देखो उत्थे दा वैदर क्या व्यू है और क्या है ना लेक जिहड़ी उत्थे आएगी जिथे फिल्मा वगैरह की शूटिंग हुंदी है और किन्ना नज़ारा फुल है फुल दोस्तों। हुण असी कश्मीर च मेरे हिसाब नाल असी एंटर हो चुके हैं, मैनू भी नहीं खैर इन्ना पता हैगा, तो असी हुण एंटर हो चुके हैं, पर इत्थे दा वैदर बहुत शानदार है, इत्थे दी ब्यूटी इन्नी क शानदार है तुहानू असी दस नहीं सकते। पर फिर भी मैं दोस्तों तुहानू ये थोड़ा जा मैं कुछ ज़्यादा तो नहीं बोल गया, फिर भी मैं तुम दस सकते हो, ठीक है दोस्तों। तुसी मेरा ये कंटेंट देखते रहो, हर हर महादेव। मेरी वीडियो अच्छी लगे या मेरी कॉलिंग अच्छी लगे तो दोस्तों कमेंट जरूर दस्यो, पर ये जरूर है मेरी वीडियो जरूर देखो, सिर्फ मैं थोड़े वास्ते और भोले बाबा वास्ते दर्शन करन चलना, अदरवाइज मैं किसी वास्ते दर्शन नहीं करन चलना है। हूँ मैं कश्मीर के एंटर हैं दोस्तों, कश्मीर के एंटर करते होल्ड तो कहने हाँ असं हूँ कश्मीर च आ चुके हैं, पर दोस्तों इतने का व्यू बहुत शानदार है, ठीक है ना। तुसी एक बार जरूर इतने भोले बाबा के दर्शन करन जरूर आओ।